हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल इजी स्विंग ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। और अगर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल स्टॉक माई क्लोजेट पर देख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने लिया है ये 1 मीटर सिल्क फैब्रिक, इस पर बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी वर्क है, और 3 मीटर प्लेन सिल्क फैब्रिक। और मैं ये मेजरमेंट यूज़ कर रही हूँ, आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बॉडीज़ की कटिंग करूँगी। ये फैब्रिक की पूरी लेंथ है, इसे मैंने 2 बार चौड़ाई में फोल्ड किया है। तो यहाँ मेरे पास 4 लेयर्स हैं कपड़े की, और इस प्लेन फैब्रिक को मैंने निकाल दिया, इसको हम कटिंग में नहीं लेंगे। मेरे मेजरमेंट में बॉडीज़ की लेंथ है 14 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे दबाव के लिए, तो मैं यहाँ 15.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और इस बचे हुए फैब्रिक में से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो मैंने ये पीस अलग कर लिया है। अब सबसे पहले मैं फ्रंट बॉडीज़ की कटिंग करूँगी। शोल्डर के लिए लेंगे शोल्डर विड्थ का हाफ। मेरे मेजरमेंट में शोल्डर विड्थ है 13.5 इंच और इसका हाफ होगा 6.75 इंच। नेक विड्थ है 3 इंच। यहाँ से 1/2 इंच नीचे मार्क करेंगे शोल्डर स्लोप के लिए और इसे नेक विड्थ पॉइंट से जोड़ देंगे। आर्म होल के लिए लेंगे आर्म होल राउंड का हाफ, जो मेरे मेजरमेंट में है 7 इंच। यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इसे भी शोल्डर स्लोप पॉइंट से जोड़ देंगे। अब शोल्डर से 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे, शोल्डर से बर्स्ट का मेजरमेंट, और यहाँ मैं बॉडीज की लेंथ मार्क कर रही हूँ। अब मैं राउंड मेजरमेंट्स मार्क करूँगी। चेस्ट के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 2 इंच की लूजिंग। मेरे मेजरमेंट में चेस्ट राउंड है 31 इंच। 31 + 2 होगा 33 और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.25 इंच। बर्स्ट के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 3 इंच की लूजिंग। मेरे मेजरमेंट में बर्स्ट राउंड है 32 इंच। 32 + 3 होगा 35 और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.75 इंच। वेस्ट के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 2 इंच की लूजिंग। मेरे मेजरमेंट में वेस्ट राउंड है 28 इंच। 28 + 2 होगा 30 और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। अब इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। इस पॉइंटेड शेप को हल्का कर्व देंगे। यहाँ मैं 1 इंच ऐड कर रही हूँ दबाव के लिए। अब मैं फ्रंट और बैक आर्म होल कर्व ड्रॉ करूँगी। तो इसी के साथ मार्किंग कंप्लीट है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये है फ्रंट बॉडीज, अब बैक बॉडीज़ की कटिंग करेंगे। तो ये बैक के लिए है और कपड़े को एक बार फोल्ड किया है।
अगर आपके फैब्रिक में भी इस तरह का डायरेक्शनल प्रिंट है तो हमेशा फ्रंट और बैक की कटिंग करते हुए ध्यान रखें दोनों तरफ प्रिंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। आप बंद वाली साइड से आधे इंच पर निशान लगाएंगे। तो बैक बॉर्डर्स पर ये आधे इंच का जो हमने दबाव रखा है वो बैक ज़िपर के लिए है। मैं ये इनविजिबल ज़िप ऐड करूँगी बैक में। अब इस लाइन को सेंटर लेते हुए फ्रंट बॉडीज को यहाँ पर रखेंगे इस तरह और इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक बॉडीज को सेंटर से भी कट कर लेंगे। अब फ्रंट आर्म होल कर्व की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट है और ये बैक है। तो मैंने बॉडीज की कटिंग कर लिया है, अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी। तो ये बचा हुआ फैब्रिक है और इसे मैंने दो बार चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ चार लेयर्स हैं कपड़े की। मेरे मेजरमेंट में स्लीव लेंथ है 12 इंच और मैं यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी दबाव के लिए। अब सबसे ऊपर से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से आर्म होल विड्थ का निशान लगाएंगे जो होगा बर्स्ट राउंड डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 इंच। मेरे मेजरमेंट में बर्स्ट राउंड है 32 इंच, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 और 8 माइनस 1 होता है 7। तो मैं यहाँ 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। इस लाइन को मेजर करेंगे और तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो ये है 8 इंच और मैं यहाँ 2.6 इंच पर दो बार निशान लगाऊंगी। इस पॉइंट से हाफ इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इस पॉइंट से हाफ इंच ऊपर की तरफ और 0.25 इंच नीचे की तरफ। अब मैं फ्रंट और बैक आर्म होल कर्व ड्रॉ करूंगी। तो अब यहाँ पर मोरी का निशान लगाएंगे जो मेरे मेजरमेंट में है 11.5 इंच। यहाँ हम उसका हाफ मार्क करेंगे। 11.5 इंच का हाफ होगा 5.75 इंच। अब इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे कर्व रूलर के साथ हल्की शेप देने के लिए। तो ये थी स्लीव्स की मार्किंग, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग हो गई है, अब बॉटम की कटिंग करेंगे। तो बॉटम के लिए मैंने लिया है ये प्लेन फैब्रिक। पहले मैंने बॉटम के लिए हाफ सर्कल स्कर्ट बनाने का सोचा था लेकिन फैब्रिक की विड्थ लेंथ के हिसाब से पूरी नहीं हो रही है। तो मैं अब इसमें से बॉक्स प्लीट बॉटम बनाऊंगी।
और बॉक्स प्लीट बॉटम के लिए हमें ये मेजरमेंट्स चाहिए। सबसे पहले वेस्ट राउंड, मेरे मेजरमेंट में वेस्ट राउंड है 28 इंच और मैं इसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। आपने सेम लूजिंग ऐड करनी है जो आपने बॉडीज में करी थी, तो 28+2 होगा 30। प्लीट साइज़ मैं ले रही हूँ 3 इंच, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और नंबर ऑफ़ प्लीट्स मतलब आपको टोटल राउंड में कितनी प्लीट्स चाहिए, उसके लिए वेस्ट राउंड को प्लीट साइज़ से डिवाइड कर देंगे। तो 30 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, यानी कि 5 प्लीट्स फ्रंट में और 5 प्लीट्स बैक में। इस फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच, यहाँ मैंने इसे एक बार फोल्ड किया हुआ है। रेडी 3 इंच प्लीट के लिए हमें 6 इंच कपड़ा चाहिए। यहाँ से 1.5 से 2 इंच दबाव के लिए रखेंगे। अब मैं इस पॉइंट से 6 इंच पर निशान लगाऊंगी और प्लीट का सेंटर मार्क करेंगे 3 इंच पर। प्लीट बनाने के लिए अब इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे इस तरह और पिनअप कर लेंगे। तो मैंने ये एक प्लीट बना ली है, अब इसी तरह बाकी की प्लीट्स बना लेंगे। बॉक्स प्लीट बॉटम बनाने के लिए हमें 2 लेंथ्स चाहिए, फ्रंट के लिए और बैक के लिए, जो होगी फुल लेंथ ऑफ ड्रेस माइनस बॉडीज लेंथ। और फैब्रिक की हम पूरी विड्थ लेंगे तो हमें रेक्टेंगल 2 पीस चाहिए, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए, इसके अलावा इस पर कोई कटिंग नहीं होगी। तो इसी के साथ ड्रेस की कटिंग कंप्लीट है। इसकी स्टिचिंग मैं अपने अगले वीडियो में शेयर करूंगी। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे वीडियोस देखने के लिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।